My dear students, this is the part 3 of unit 2, friendship of standard 5th. In this video we will discuss activity 5 and activity 6. In activity 5, some of the questions are given on the basis of part 1 and part 2 of unit 2. So students, I have already made the video of part 1 and part 2. So if you cannot see the video, then please first of all go and see that video, and after that you can see this video so that you can easily understand activity 5. So first of all, let us start the question number 1. What did grandpa remember about the chair? जो ग्रैंडपा थे उनको अपने चेयर से रिलेटेड क्या क्या मेमोरीज याद आई, वो आपको इसमें लिखना है. सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ग्रैंडपा रिमेंबर्ड दैट ही सेट ऑन द चेयर व्हेन ही आस्क्ड ग्रैंडमा टू मैरी हिम व्हेन जॉन्स फादर वाज बॉर्न एंड व्हेन ग्रैंडमा डाइड. यानी कि बच्चों, जो ग्रैंडपा हैं उनकी बहुत सारी यादें इस चेयर से जुड़ी हुई थी. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जब उनकी ग्रैंडमा से शादी होने वाली थी, तो जब उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था उनकी ग्रैंडमा से कि क्या आप मुझे मैरी करोगे, तो वो भी उन्होंने इस चेयर पे बैठ के ही, तभी भी वो इस चेयर पे बैठे हुए थे. एंड द सेकंड वन ही, जब जॉन के जब फादर बॉर्न हुए थे उस वक्त भी वो इसी चेयर पर थे. एंड द थर्ड इज, जब ग्रैंडमा डाइड, जब ग्रैंडमा मरी थी तभी भी वो इस चेयर पर ही बैठे थे. तो ये कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो उन्होंने अपने इस चेयर के साथ उन्होंने बिताए थे. तो वो यही यादें वो किसी साथ शेयर कर रहे थे, जॉन के साथ. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. व्हेन डिड डैड एंड मॉम पुट द चेयर आउट ऑफ द हाउस. जो डैड और जो मॉम है, उन्होंने चेयर को कब घर के बाहर रखा था. So what will be the answer? Dad and mom put the chair out of the house when John and Pop-up were asleep. जब Pop-up और जो John थे, जब वो रात के समय सो गए थे, उसी वक्त जो Dad और Mom ने जो Grandpa है उनकी चेयर को उठा के बाहर रख दिया था. Third question. What was Grandpa's reaction when he saw the chair on the footpath? जब ग्रैंडपा ने अपनी चेयर को फुटपाथ पे देखा, तो उनका क्या रिएक्शन था, उनको कैसा लगा. सो व्हाट विल बी द आंसर. व्हेन ग्रैंडपा सॉ द चेयर ऑन द फुटपाथ ही स्टार्टेड क्राइंग. जब ग्रैंडपा ने चेयर को फुटपाथ पे देखा, तो उन्होंने जब उनको ये देख के उनकी जो आँखों से जो आंसू बहने लगे. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाई डिड जॉन स्टॉप द मैन फ्रॉम कैरिंग द चेयर अवे. जो जॉन था, उसने मैन को क्यों रोका चेयर को ले जाने के लिए. जॉन स्टॉप द मैन फ्रॉम कैरिंग द चेयर अवे बिकॉज ही अंडरस्टूड दैट द चेयर मीन्ट अ लॉट टू ग्रैंडपा. जॉन ने मैन को इसलिए रोका क्योंकि वो समझ चुका था कि जो चेयर है उसकी बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ा रोल है उनके ग्रैंडपा की लाइफ में. Now, fifth question is, do you like the end of the story? Why? Students, this question, I don't write the answer of this question because this question you have to do it by yourself. You have to read the part 1 and part 2 carefully, and after that you have to tell whether you like the story or not. If yes, then what will be the reason, and if no, then why no. So you have to write the reason among the answer also, okay? Now come to the part B. Who said the following to whom and when? Students, some of the sentences are given below and you have to simply tell that who said this sentence to whom and when. So the first one is, something smells good. बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. तो ये जो line है ये किसने बोली थी? जॉन. जॉन सेड दिस टू हिज मॉम. ये जो लाइन है ये जॉन ने बोली थी, अपनी मॉम को बोली थी. कब बोली थी? व्हेन ही केम होम फ्रॉम स्कूल. जब वो घर आया था
स्कूल से जब वो घर लौटा तब उसने ये लाइन अपनी मॉम से बोली थी। कम टू द सेकेंड वन, स्प्रिंग इज हियर। स्टूडेंट ये किसने बोला था? पॉपअप सेड टू जॉन व्हेन जॉन वाज ईटिंग कुकीज। ये जो लाइन है स्प्रिंग इज हियर, ये पॉपअप ने बोली थी। किसको बोली थी? जॉन को। कब बोली थी? जब जॉन वाज ईटिंग कुकीज, जब जॉन कुकीज खा रहा था उस वक्त जो ये लाइन है वो जॉन के दादाजी ने जॉन को बोली थी। कम टू द थर्ड वन, दैट ओल्ड चेयर हैज वॉट टू गो। ये जो पुरानी चेयर है अब शायद इसको यहाँ से चले जाना चाहिए, राइट? तो ये लाइन किसने बोली थी? ये लाइन बच्चों मॉम ने बोली थी। किसकी मॉम ने? जॉन की मॉम ने बोली थी। किसको बोली थी? जॉन को बोली थी। व्हेन दे वर क्लीनिंग द हाउस, जब वो घर की साफ सफाई कर रहे थे तब जो जॉन की मॉम थी उन्होंने ये लाइन जॉन को बोली थी कि अब इस चेयर का इस घर में कोई भी काम नहीं है, तो इसे अब हमें यहाँ से निकाल देना चाहिए। फोर्थ वन, यू कैन नॉट टेक माई चेयर। ये लाइन ये बोला था, ये किसने बोला था कि तुम मेरी चेयर नहीं ले जा सकते? यस, ये पॉपअप ने बोला था। कब? किसको बोला था? जॉन को और उनकी मॉम को। When they were taking away his chair, जब वो उनकी चेयर ले जा रहे थे उस वक्त जो जॉन जो पॉपअप थे उन्होंने ये लाइन जॉन और उनके मॉम को बोली थी। कम टू द फिफ्थ वन, आई थिंक आई एम बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड। मुझे लगता है कि मैं अब समझने लगा हूँ चीज़ों को, राइट? तो ये चीज़ किसने बोली थी? ये लाइन किसने बोली थी बच्चों? जॉन। जॉन सेड टू पॉपअप व्हेन पॉपअप टोल्ड हिम अबाउट हाउ मच द चेयर मैन टू हिम। ये जो लाइन है ये जॉन ने बोली थी पॉपअप को बोली थी। जब उनको ये पता चला, जब जॉन को ये पता चला कि जो चेयर है उनकी कितनी वैल्यू है उनके दादाजी की लाइफ में। नाउ कम टू द सिक्स्थ, दिस चेयर इज लाइक अ फ्रेंड। ये जो चेयर है ये फ्रेंड की तरह है। किसके फ्रेंड की तरह है? दादाजी के ना। तो ये लाइन किसने बोली थी बच्चों? दिस लाइन किसने बोली थी? जल्दी बोलो, ये लाइन किसने बोली थी? ये लाइन बोली थी जॉन सेड टू हिज मॉम। ये लाइन बच्चों जॉन ने बोली थी उनकी मॉम को। व्हेन ही स्टॉप द मैन फ्रॉम टेकिंग अवे द चेयर, जब वो जो मैन था जो चेयर लेके जा रहा था उसी वक्त ये लाइन जॉन ने उनकी मॉम को बोली थी कि ये जो चेयर है ये फ्रेंड है। किसकी फ्रेंड है? दादाजी की फ्रेंड है। नाउ कम टू एक्टिविटी सिक्स। इन एक्टिविटी सिक्स पार्ट ए, फाइंड सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। स्टूडेंट सम ऑफ द सेंटेंसेस आर गिवन बिलो and you have to write some another sentence but the meaning of that sentence is same which is given in our question। yani ki bachcho hame jo ek sentence likhna hai, jise hame ye diya hai na, I have come home mother, ki main ghar aa gaya hu mom, to isi se related aapko jo chapter mein padh ke aapko सेम टू सेम मीनिंग वाला लेकिन अलग सेंटेंस आपको लिखना है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, आई एम होम, कि मैं घर पर हूँ, आई एम होम। तो ये जो आई एम होम का भी और जो आई हैव कम होम मदर, दोनों का मीनिंग सेम है बट स्टेटमेंट क्या है अलग है। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से आपको 2, 3, 4 और 5 करना है। आपको आप स्टेटमेंट अलग लिख सकते हो बट वो जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हो उसका जो मीनिंग है वो आपको एकदम सेम होना चाहिए जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसके मीनिंग से। समझ में आ गया? अब इसको और अच्छे से डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। आई विल सी यू लेटर, मैं आपको बाद में मिलती हूँ, राइट? और द सेकेंड वन इज आई विल कैच यू लेटर, कि मैं तुम्हें बाद में बात करती हूँ। तो मिलना और बात करना बाद में, तो दोनों का मीनिंग बच्चों सेम ही है लेकिन जो हमारा स्टेटमेंट है वो अलग है।
पहले वाले में मैंने बोला आई विल सी यू लेटर, पहला स्टेटमेंट ये था, और सेकंड स्टेटमेंट क्या था, आई विल कैच यू लेटर। तो दोनों की स्टेटमेंट अलग है लेकिन जो मीनिंग है वो एकदम सेम है। इसी तरीके से आपको 2, 3, 4 और 5 अपने आप से करना है। एंड इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन और वाइल राइटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, देन यू रेफर टू द वर्कशीट। ठीक है, आपको सिंपली वर्कशीट को रेफर करना है जो कि मैंने इसके साथ ऑलरेडी आपको अटैच करके आएगी, इस वीडियो के साथ अटैच होगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। इन नेक्स्ट पार्ट बी इज गिवेन। ओके, इन पार्ट बी व्हाट इज गिवेन इन द स्टोरी, वर्ड्स लाइक वॉन एंड टॉन आर फाउंड। देखिए हमने जो स्टोरी पढ़ी राइट, उसमें वॉन और टॉन दो वर्ड आए राइट। वॉन का मतलब क्या होता है, पहनना, जब हम कोई चीज़ पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं तो वॉन, ठीक है। और टॉन यानी कि फटा हुआ ना, ठीक है, कोई चीज़ फट जानी तो वो होती है, उसका मतलब होता है टॉन, ठीक है। तो ये दोनों ही वर्ड हमारे हमने चैप्टर में देखे, दे आर सिमिलर इन साउंड, वॉन टॉन है ना, सिमिलर है साउंड में, साउंड में थोड़ा बहुत सिमिलर है। फॉर स्टडिंग सिमिलैरिटीज ऑफ वर्ड देर आर टू मोर टेक्निक, नेमली होमोफोन्स एंड होमोनियम्स राइट। तो हमें वर्ड्स को अच्छे से पढ़ने के लिए, उनको अच्छे से डिटेल में जाने के लिए हमें दो टाइप का दिया गया है, फर्स्ट है होमोफोन्स एंड सेकेंड है होमोनियम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड होमोफोन, दैट व्हाट इज होमोफोन, ये होमोफोन क्या होते हैं। मीन्स होमोफोन मीन्स वन ऑफ टू और मोर वर्ड्स प्रनाउंस अलाइक बट डिफरेंट इन मीनिंग्स। यानी कि बच्चों इसमें क्या होता है, होमोफोन्स में जब हम कोई भी दो वर्ड, उनकी स्पेलिंग अलग होती है, उनके मीनिंग अलग होते हैं, लेकिन उनके बोलने का जो तरीका है, जो प्रनाउंसिएशन है, वो बिल्कुल सेम होती है, उन्हें हम कहते हैं होमोफोन्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल में दिया है टू, टी ओ टू, टी डब्ल्यू ओ को भी हम टू पढ़ेंगे राइट, एंड टी डब्ल्यू टी डबल ओ को भी हम टू पढ़ेंगे, लेकिन तीनों का ही मीनिंग अलग है। पढ़ने में तो हमने टू ही पढ़ा राइट, मतलब हमारा जो प्रोनाउंसिएशन था वो एकदम सेम है, लेकिन उनका मीनिंग अलग है। जो टी ओ टू है उनको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन के लिए राइट। और टी डब्ल्यू ओ टू ये वन टू वाला जो होता है ना, वो वाला टू है, और टी ओ ओ टू ये हम नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई परेशान करे तो आप क्या बोलते हैं, इट्स टू मच राइट, बहुत हो गया, तो वो आप एक नेगेटिव वे में जब आप बोलते हो तब हम ये यूज करते हैं टी डबल ओ टू। समझ में आ गया। अब सेकंड देखिए क्या दिया है, आवर आवर राइट, आवर आवर दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, बट आवर मतलब हमारा हम, ठीक है, और आवर का मतलब जो हमारे जो घूमती है ना घड़ी, सुइया जो घूमती है हमारे 60 सेकंड चलते हैं, ठीक है, जब हमारे 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो एक घंटा हो जाता है ना, वो होता है आवर। थर्ड देखिए सम और सम, देखिए एस ओ एम ई सम और सम दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, लेकिन जो पहला जो एस ओ एम ई सम है उसका मतलब होता है थोड़ा सा कुछ भी राइट, सम। और सेकंड है हमारा एस यू एम सम, इसका मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन, किसी भी क्वेश्चन का आप मैथ्स में सॉल्यूशन करते हो ना, सम करते हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सम। नाउ द फोर्थ वन इज वे एंड वेट, वे यानी कि रास्ता एंड वेट यानी कि वजन करना, तो दोनों का स्पेलिंग भी अलग है राइट, और जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो स्पेलिंग और जो मीनिंग है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज गिवन डाई एंड डाई। सो फर्स्ट वन जो डाई है उसका मतलब क्या होता है बच्चों, कलर करना है ना, डाई कहते हैं ना, और जो फर्स्ट वन है डाई, सॉरी फर्स्ट वन जो डाई है उसका मतलब क्या होता है बच्चों, सो बच्चों जो डाई है डी आई ई उसका मतलब होता है मर जाना, जब कोई डेथ हो जाती है किसी की तो हम क्या बोलते हैं डाई, और जो सेकंड वन है डाई डी वाई ई उसका मतलब होता है कलर करना, करते हैं ना बालों में कलर डाई कर दिया, तो ये जो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है लेकिन स्पेलिंग
और जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। अब ये जो प्रिंसिपल है, जो फर्स्ट वन जो प्रिंसिपल है वो हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं ना उन्हें कहते हैं, और जो सेकेंड प्रिंसिपल है उसका मतलब होता है सिद्धार्थ, है ना। जब भी हम कोई से सिद्धार्थ की बात करते हैं, ठीक है, कोई हम कहते हैं ना कोई हमारे प्रिंसिपल्स दिए रहते हैं अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी होती है, राइट, तो वो होते हैं प्रिंसिपल्स। नाउ सेकेंड देखिए होमोनियम। होमोनियम अब क्या होते हैं, मीन्स वन ऑफ टू और मोर वर्ड्स स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस अलाइक बट डिफर इन मीनिंग। यानी कि बच्चों इनमें जो स्पेलिंग है वो सेम होती है, जो होमोफोन्स में स्पेलिंग डिफरेंट होती है, बट इनमें स्पेलिंग सेम होती है, बट प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मीनिंग डिफरेंट होता है। बट होमोफोन्स में क्या था बच्चों कि स्पेलिंग डिफरेंट होती है और मीनिंग डिफरेंट होते हैं, साउंड सेम होती है, बट इसमें क्या है स्पेलिंग सेम है, साउंड सेम है और मीनिंग सिर्फ क्या है डिफरेंट है। समझ में आ गया। तो एग्जांपल देखिए, फर्स्ट है टाइप और टाइप। देखो एक टाइप का मतलब क्या होता है, जो हम टाइपिंग करते हैं ना उसे टाइप कहते हैं, और दूसरा टाइप का मतलब क्या होता है, जो प्रकार भिन्न भिन्न तरीके जो टाइप, जैसे कि हमारी बुक्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक है ना, कोई इंग्लिश की बुक है, कोई मैथ्स की बुक है, वो तो वो होता है टाइप, ठीक है, वेराइटीज जिसे हम कहते हैं। सेकेंड देखिए कैपिटल। कैपिटल एक कैपिटल हम कहते हैं ना राजधानी, जैसे हमारे अब बोल सकते हैं जो गुजरात की कैपिटल क्या है, तो क्या है हमारी गुजरात की कैपिटल बच्चों, यस गांधीनगर, है ना, तो वो एक राजधानी। और दूसरी कैपिटल का मतलब क्या होता है बच्चों, दूसरी कैपिटल का मतलब होता है जैसे कि हम कभी भी किसी बिजनेस में कभी पैसा लगाते हैं, तो जो भी हम पैसा लगा रहे हैं तो उन्हें हम कहते हैं कैपिटल। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है बियर। एक बियर तो होता है भालू, है ना, भालू को भी कहते हैं ना बियर, और दूसरे बियर का मतलब क्या होता है, यस दूसरे बियर का मतलब क्या होता है बच्चों, सहन करना, तो दूसरे बियर का मतलब क्या होता है सहन करना। अब फोर्थ देखिए वेल। एक वेल क्या होता है, जब हम लोग किसी की सेहत पूछते हैं ना कि क्या तुम ठीक हो, तो एक वहाँ पे वेल यूज करते हैं, दूसरे वेल यानी कि जो कुआ होता है ना हमारे गाँव में वो भी वेल होता है। तो यानी कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ही एग्जांपल दिए गए हैं, तो आपको इस समझ में आ गया होगा होमोनियम क्या होते हैं और होमोफोन्स क्या होते हैं। होमोफोन्स में बच्चों क्या होता है कि जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट होती है और जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होता है और मीनिंग भी डिफरेंट होता है। समझ में आ गया। तो यानी कि सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, बाकी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। बट होमोनियम्स में क्या होता है कि स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन सिर्फ मीनिंग डिफरेंट होता है। ओके, सो ये था हमारा आज का वीडियो, में आज हम इतना ही देखेंगे। अब जो हमारी रिमेनिंग एक्टिविटीज हैं दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो फॉर सो स्टूडेंट्स, आपको ये जो हमने आज आपको करवाए हैं क्वेश्चन आंसर और जो एक्टिविटी 6 समझाई है, वो आपको अच्छे से अपने नोटबुक में, एक्टिविटी 5 अच्छे से आपको अपने नोटबुक में लिख लेनी है। क्वेश्चन आंसर अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपको सिंपली क्या रिफर करना है, वर्कशीट। ओके, थैंक यू।